नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि निरिप योग बनता कैसे है, हाथमीय योग कैसे प्रबल बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली है हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। और ये हमारी मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारी विचारों की रेखा होती है, हमारे दिमाग की रेखा होती है। इसी प्रकार से ये बुद्ध से चलकर गुरु की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि हम प्रेम रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हाथ में, हमारी हथेली में, हथेली का जो कलर है वो थोड़ा सा लाल कलर का होना चाहिए, और हाथ में तीन पर्वत उठे होने चाहिए। हमारे सात पर्वत में तीन पर्वत उठे होने चाहिए, और वो पर्वत समान रूप से उन्नत के होने चाहिए। जैसे कि ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत, ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत हमारी कलाओं के बारे में बताता है, हमारी वैवाहिक जीवन के सुख के आनंद के बारे में बताता है। इसी प्रकार से ये हमारे गुरु का पर्वत है, गुरु का पर्वत हमारे ज्ञान के बारे में बताता है, हमारी अथॉरिटी के बारे में बताता है, हमारे धार्मिकता के बारे में बताता है। इसी प्रकार से ये हमारी ये जो सन का माउंट है, सन का माउंट जो होता है स्टेटस के बारे में बताता है, हम किसी को कितने स्टेटस तक लेके जाने वाले हैं, हमारा मान सम्मान कितना बढ़ने वाला है, हमारी प्रतिभा को बताता है। और ये बुद्ध का पर्वत जो है बोलने की कला को सिखाता है, हमारे बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। और ये बुद्ध की फिंगर अगर बड़ी है तो ऐसे लोग काफी किसी एक चीज में नेतृत्व करने की इनके अंदर क्षमता होती है। और हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा ये समुचित रूप से विकसित हो और तीन पर्वत विकसित हो तो इसी को हमारी हथेली में निरिप योग कहते हैं। और ये चंद्रमा का पर्वत है, इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं, चंद्रमा का पर्वत। चंद्रमा का पर्वत हमारे मन की इच्छाओं को जाहिर करता है, हमारे कलाओं के बारे में बताता है, हमारे सोचने की शक्ति को बताता है। और एक भाग रेखा होनी चाहिए, एक भाग रेखा हो, भाग रेखा एक सफलता की कुंजी होती है। हम जिस कुंजी को सफलता की बोलते हैं, एक शिखर की तरफ लेके जाती है, एक हमारे उद्गम को बताती है, हमारे कार्य करने की क्षमता को दर्शाती है। हम किसी भी व्यापार में है, बिजनेस में है, वो हमारी एक निरंतर आगे की तरफ बढ़ने वाली शिखर को दर्शाती है। सफलता साथ लगेगी कि नहीं लगेगी वो हमारी भाग रेखा बताती है, हमारा प्रोफेशनल कैसा होगा वो हमारी भाग रेखा बताती है। और ये सूर्य का पर्वत जो उन्नत का होता है, उठा होता है, और सूर्य की फिंगर भी बड़ी हो, ये हमें एक दिशा निर्देश देती है। और इसी के ऊपर एक सूर्य की रेखा हो, प्रबल सूर्य रेखा आपके हर काम में सफलता दिलाती है, उच्च अथॉरिटी दिलाती है, आपको मान सम्मान दिलाती है। ये हमारी जो एक सूर्य की रेखा है, और एक रेखा जीवन रेखा से चलकर गुरु के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हमारी सफलता रेखा कहते हैं।
इसको हम प्रोग्रेस रेखा कहते हैं। जीवन में आपके जो भी कार्य होने हैं इस हमारी सफलता रेखा ने बताना है। और इसी के साथ ये चंद्रमा का माउंट है, चंद्रमा के माउंट से एक रेखा बुध के पर्वत की तरफ जाती हो, ये आपके मन की स्थिति को जाहिर करती है, आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाती है। और यहां से एक शुक्र के पर्वत से, ये शुक्र के पर्वत जीवन रेखा से निकलकर अगर ये भी बुध के पर्वत की तरफ जाती है तो ये भी आपके व्यापार से आपके अपने कार्यशैली को बढ़ावा देने का काम करती है। और ऐसे लोग राजनीति में, सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं और अपने जीवन काल में एक सुखमय जीवन आनंद व्यतीत करते हैं और इनकी सारी इच्छाओं की मनोपूर्ति होती है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।